लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट से जुड़ी समस्याओं से अगर बचना है तो आपको ये हमारे टिप्स फॉलो करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी का समय एक महिला के लिए बेहद नाजुक होता है। इस दौरान उसे कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला के शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो हेल्दी प्रेगनेंसी प्रभावित हो सकती है। हार्ट हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना शारीरिक जीवन नहीं रह सकता है। प्रेगनेंसी में हार्ट हेल्थ का ख्याल ना रखने से जच्चा और बच्चा यानी माँ और जो पेट में पलने वाला बच्चा की जान को जोखिम उठाना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, इसका असर हार्ट पर पड़ सकता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी के कारण हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में अनियमित दिल की धड़कन, स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, मायोकार्डियल इस्कीमिया और हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं का असर होने वाली माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ता है। 8 मार्च यानी कल महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट और हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, प्रेगनेंसी में हार्ट का कैसे ख्याल रखें, हार्ट की बीमारी के लक्षण को कैसे पहचानें। तो आइए शुरू कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ लक्षणों पर गौर करना चाहिए। अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि ये हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। बार बार सिर घूमना, प्रेगनेंसी में सांस लेने में दिक्कत हो, सांस फूल रही हो, दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाना, सीने में दर्द महसूस होना, अचानक पसीना आना, बार बार घबराहट महसूस होना, समय समय पर बीपी चेक करवाएं। दिल से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर बीपी की जांच करवाएं। अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो बैड कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवाएं। प्रेगनेंसी में सीने के दर्द को गैस समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में अतिरिक्त चर्बी से बचें। प्रेगनेंसी के दौरान ओवरवेट होने की स्थिति से बचना जरूरी है। शरीर में फैट बढ़ने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। मोटापे के कारण हार्ट की बीमारियां सेहत को प्रभावित करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वजन कंट्रोल में रखने के लिए योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक आदि का सहारा ले सकते हैं। हार्ट को हेल्दी रखना चाहती हैं तो डाइट में फाइबर शामिल करें, रात को समय पर सोएं, लेट कर खाने की आदत छोड़ दें और बड़े मील्स लेने के बजाय दिन भर में 5 बार हेल्दी मील्स का सेवन करें। सपोज आप खाना सुबह, दोपहर और शाम को खाते हैं, उसको कर सकते हैं सुबह का नाश्ता, उसके बाद 11 बजे सुबह 8 बजे का नाश्ता, सुबह 11 बजे का हैवी नाश्ता, 2 बजे का लंच, 5 बजे का नाश्ता और रात 9 बजे का डिनर। अब उसको डिवाइड करेंगे 5 भाग में तो आपके लिए अच्छा है। प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट आप लें तो ये आपके लिए अच्छा है। प्रेगनेंसी में होल ग्रेन्स या साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियों का सेवन करें। प्रेगनेंसी में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए नमक, फैट और शुगर की मात्रा कम कर दें।
डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल करें, इससे आर्टरीज में सूजन कम होती है और हार्ट को सुरक्षा मिलती है। प्रेगनेंसी में पानी की कमी से बचें, हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन जरूर करें। प्रेगनेंसी में अल्कोहल और सिगरेट का सेवन ना करें, अल्कोहल के सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी में तनाव से भी आपको बचना है। तनाव से बचने के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहें। आप अगर आप टीवी पे पिक्चर्स देखते हैं, सीरियल ऐसे देखते हैं जहाँ पे ऐसे सीन आते हैं जो मारधार से रिलेटेड हैं या बहुत गहरा सस्पेंस होता है, फिलहाल ऐसे सीरियल्स और पिक्चर को अवॉइड करें। वेब सीरीज भी है तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें जब तक आप प्रेग्नेंट हैं, तब तक। डिलीवरी हो जाने के बाद आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादा तनाव लेने से हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर हार्ट रेट बढ़ा होगा तो सामान्य डिलीवरी की आशंका घट जाएगी। तनाव मुक्त रहने और हार्ट की बीमारियों से दूर रहने के लिए हर दिन मेडिटेशन करें, योग की मदद लें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। तनाव कम करने के लिए ओवर थिंकिंग से भी बचें। प्रेगनेंसी में तनाव कम करके आप सेफ डिलीवरी सुनिश्चित कर सकती हैं। तनाव बढ़ने की स्थिति में बीपी भी बढ़ जाता है, जिससे सिजेरियन का जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का टिप महिला दिवस के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। आप सभी महिलाओं को हैप्पी महिला दिवस। धन्यवाद।